हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनलाइन फंक्शन के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग फंक्शन इन अ प्रोग्राम इज टू सेव सम मेमोरी स्पेस। ठीक है, इसका यूज क्यों करते हैं हम? कुछ मेमोरी को बचाने के लिए, यानी कि सेव करने के लिए। ठीक है, विच बिकम्स एप्रिसिएबल वेन अ फंक्शन इज लाइकली टू बी कॉल्ड मेनी टाइम। जब हम किसी भी फंक्शन को बार बार में कॉल करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो कंट्रोल है वह बार बार उस फंक्शन के पास आता है, तो इसी कारण हमारा जो टाइम है वो भी हमारा ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा इनलाइन फंक्शन। यहाँ पर क्या होता है हमारा, इसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इनलाइन, जो हमारा कीवर्ड है उसका। ठीक है, ये हमारा फिक्स है कि जब हम किसी भी फंक्शन के पीछे इनलाइन लगा देंगे तो वह हमारा इनलाइन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, फंक्शन का जो भी नेम है वह, और ये क्या हमारे फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, द कंपाइलर रिप्लेस द फंक्शन कोड विद द करस्पॉन्डिंग फंक्शन कोड। ठीक है, जो भी हमारा कंपाइलर होता है वह उस जो हमारा कॉल होता है फंक्शन का उसको रिप्लेस कर देता है हमारे जो फंक्शन का कोड होता है उसके साथ। एन इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इन लाइन व्हेन इट इज इनवोक्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाता है तो यह एक्सपेंड करता है। ठीक है, यह एक्सपेंड करता है और इन्वोक होता है, और यह क्या होता है हमारा, एग्जीक्यूट होता है। तो अब हम इसको देखते हैं हमारे कोड के द्वारा। यहाँ पर सबसे पहले फाइल बना लेते हैं इनलाइन एफ। ठीक है, इनलाइन एफ सीपीपी। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं हमारी हेडर फाइल को, सो एज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग स्पेस एंड देन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो इनलाइन फंक्शन है उसको क्रिएट करते हैं। यहाँ पर तो हमने लिखा इनलाइन एंड देन हमारा इंटीजर, इंटीजर नेम से हम जो फंक्शन बनाएंगे उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटर। ठीक है, और फिर हमारा फंक्शन का नेम क्या है, टू। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे, उसका हम क्या क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोई नंबर अगर आएगा तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक पैरामीटर चाहिए। तो पैरामीटर हम ले लेते हैं एस नाम। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न क्या करना हमें, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसका क्यूब, तो हमने उसको हम क्या कर देंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया 1 टाइम हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हम सी आउट का यूज करेंगे एंड देन प्रिंट करेंगे जो भी हमारा क्यूब है उसकी जो वैल्यू आएगी वो। ठीक है, सो द क्यूब ऑफ 3 इज। ठीक है, और हमारा जो भी क्यूब का हमारा फंक्शन था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्यूब एंड हम यहाँ पर पास कर देंगे 3। अगर हमने जैसे हमने यहाँ पर 3 पास कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 का जो भी क्यूब होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब उस क्यूब को हम लेंगे न्यू लाइन में। ठीक है, उस क्यूब को लेंगे हम न्यू लाइन। ओके, अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, जो भी हमारा इसका अब लास्ट में क्या है, रिटर्न। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं और हम इसका देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर देखो, द क्यूब ऑफ 3 इज 27। ठीक है, इसी तरह हम अगर हम यहाँ पर देना चाहिए, जैसे कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 देते हैं, तो इसको भी क्या करते हैं 7 एंड देन रन इट। सो द आउटपुट यू कैन सी द क्यूब ऑफ 7 इज 343। ओके, सो इस तरह से हम इनलाइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।